हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आपके सामने ये है अपना खूबसूरत लैंडेना का प्लांट। आप शायद ये प्लांट को अच्छी तरह जानते होंगे अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो, क्योंकि ये प्लांट हमारे पास ऑलरेडी एक है और येलो कलर के फ्लावर्स उसके ऊपर होते हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी दो वीडियो बन चुकी है। तो ये मैं तीन पौधे लाया था नर्सरी से, तो मुझे लगा कि ये मैं किस हिसाब से आज इसको पॉट करता हूँ, सॉइल मीडियम में कैसी रखता हूँ, क्योंकि अभी बारिशों की सीज़न आने वाली है, उसके हिसाब से मैंने सॉइल प्रिपरेशन की है। तो वो थोड़ी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और साथ में ये लैंटेना प्लांट भी मैं आपके साथ ग्रो कर देता हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो सके। ऑलरेडी मैं एक प्लांट लाया था लैंटेना का जो ख़राब हो गया था, गिलेरियो ने वो प्लांट पूरा तोड़ दिया था जिसकी वजह से मुझे फेंकना पड़ा। अब मैं दूसरे तीन प्लांट लाया हूँ और मैं इनको ग्रो करूँगा। इसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं फ्रेंड्स और बंच में फ्लावर्स होते हैं। अभी इसके ऊपर आप दो तीन फ्लावर्स देखते हैं, लेकिन बाद में इसके ऊपर जैसे जैसे मैं प्रूनिंग करता जाऊँगा वैसे वैसे ये प्लांट मेरा बुशी होता जाएगा और धीरे धीरे इसके ऊपर फ्लावर्स की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। ये प्लांट एक पूरे साल चलने वाला प्लांट है। आप समर सीज़न, मॉनसून सीज़न, विंटर सीज़न, ये हर एक सीज़न में आपको फ्लावरिंग देगा और बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होता ही जाएगा। आपको ये प्लांट के पीछे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ टिप्स एंड गाइडेंस मैं आपको देता हूँ जिसकी वजह से ये प्लांट आपके यहाँ लंबे टाइम तक टिक सकेगा। तो सबसे पहले मैं मिट्टी की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ये जो प्लांट के लिए मैंने मिट्टी यूज़ की है वो बहुत ही पोरस मिट्टी यूज़ की है, यानी कि सैंडी सॉइल मैंने यूज़ की है। इसके अंदर मैंने 60% जितनी नर्सरी सॉइल और 40% जितनी सैंड डाली है और प्लस मैंने ऊपर चार मुट्ठी भर के इसके अंदर वर्मी कॉम्पोस्ट डाला है। जाइम फर्टिलाइज़र मैंने ऑलमोस्ट 5 स्पून जितना डाला है और बस इतना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल के मैंने ये मिट्टी को प्रिपेयर किया है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी कितनी मेरी सॉफ्ट है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा क्योंकि ये प्लांट मैं बारिशों की सीज़न में बाहर रखने वाला हूँ, बाहर और वो भी ग्रो बैग के अंदर। ग्रो बैग के अंदर जनरली पानी जल्दी मॉइस्चर निकलता नहीं है, इसीलिए हमें मिट्टी उसकी थोड़ी सैंडी रखनी है ताकि पानी अंदर स्टोर ना रहे और बाहर निकल जाए और मॉइस्चर इंटैक्ट ना रहे। अगर इसके ये प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगा तो बाद में ये प्लांट आपका ग्रो नहीं कर पाएगा, अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देगा। तो ये प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूस रखने के लिए इसके अंदर पानी का निकलना बहुत ही ज़रूरी है। ड्रेनेज होल्स आप अच्छे रखें। अगर आप मिट्टी के गमले में इसको लगा रहे हैं या तो प्लास्टिक के पॉट्स में लगा रहे हैं तो पॉट्स के बॉटम में आप कुछ ऐसे पत्थर डाल दीजिए और थोड़े सैंड उसके ऊपर डाल दीजिए, उसके बाद आप मिट्टी डाल के ये प्लांट को ग्रो कीजिए, जिसकी वजह से जितना भी पानी होगा वो बहुत ही अच्छी तरह ड्रेन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये प्लांट को आप जब भी आप पॉट करते हो तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही पॉट कीजिए। तो फर्टिलाइज़र्स की ये प्लांट को ज़रूरत होती है, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ही ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे देगा। मेन की फैक्टर है ये प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा लाने की, वो है प्रूनिंग। जैसे कि अभी ये फ्लावर मेरा खिल गया है, जब ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ से उसको प्रून कर दूंगा। ठीक, मैं ये फ्लावर के साथ भी करूंगा, मैं इसको यहाँ से इसको प्रून कर दूंगा ताकि दूसरी नई ब्रांचेस निकल सके और उसमें से दूसरे नए फ्लावर्स निकल सके। तो ये चीज़ आपको रेगुलर करनी ही पड़ेगी ये प्लांट में, तभी जाके यह प्लांट आपका बुशी होता जाएगा और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। वाटरिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि वाटरिंग जब भी मिट्टी ड्राई हो जाए तब आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। मिट्टी के अंदर सॉगीनेस या तो वेटनेस रहे तब आप इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना डालें और सनलाइट इसको अच्छी चाहिए। आप इसको दोपहर की या तो मॉर्निंग की धूप दे सकते हैं, 3-4 घंटे की मिनिमम सनलाइट आप इसको प्रोवाइड करिए ताकि ये फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया कर सकेगा। तो मेरी लास्ट दो वीडियो से शायद ये वीडियो में थोड़ा कुछ अलग आपको दिखेगा, लेकिन जो भी टिप्स मैंने आपको बताई है ये मैं मॉनसून के रिगार्डिंग मैंने आपको बताई है। जैसे कि ये सॉइल मैंने जो ली है वो स्पेशली मैं ग्रो बैग में इसको ग्रो करने वाला हूँ और सॉइल का जो पोर्शन है वो मैंने थोड़ा सैंडी रखा है क्योंकि ग्रो बैग के अंदर पानी स्टोर नहीं रहना चाहिए और ख़ास करके मॉनसून की सीज़न में, तो इसीलिए शायद थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अभी जो भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो मैं अभी आपको ये मॉनसून की सीज़न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो केयर एंड टिप्स है वो तो सेम ही होगी। और पेस्टिसाइड में आप इसके अंदर नीम पेस्टिसाइड स्प्रे करिए हर वीक में एक बार, क्योंकि पेस्ट इसके ऊपर लग सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर पेस्टिसाइड इसके ऊपर स्प्रे करते रहेंगे तो बाद में ये प्लांट भी आपका बहुत ही हेल्दी ग्रो हो जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ कि ये प्लांट आप अपने गार्डन में लाइए। ये प्लांट आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएगा। जितनी क्वांटिटी में हुआ उतनी क्वांटिटी में लाइए, 4, 5, 6, मैंने तो मेरे पास अभी 4 प्लांट हो गए इसके, तो मैं सबको साथ में इकट्ठा कर दूंगा और ये जब ब्लूम करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए अभी ये प्लांट को हम ग्रो करते हैं।
तो सबसे पहले हमने जो सॉइल रेडी की है वो मैंने आपको बता दी है कि मैंने कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिक्स की हैं। अब मैं ये ग्रो बैग के अंदर इस सॉइल को डाल दूंगा। ग्रो बैग के अंदर हम नीचे पत्थर तो नहीं रख सकते क्योंकि इसका जो ड्रेनेज होल होता है वो हमें खुद ही करना पड़ता है। साइड पे मैं जितने भी होल्स कर दूंगा उससे पानी ड्रेन होता जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए, ये प्लांट का रूट बॉल में से रूट्स बाहर विजिबल हो रहे हैं। जब मैंने ये बैग खोली तो थोड़ा उसका रूट बॉल हिल गया था, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेना है, ये प्लांट ग्रो हो जाएगा आराम से। लेकिन हमें रूट बॉल के साथ छेड़छाड़ अभी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका रूट बॉल बहुत ही बड़ा है तो हमें वो हिसाब से ही पॉट सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि ये जो रूट बॉल है वो ये ग्रो बैग के हिसाब से बराबर है। अगर आप थोड़ा बड़ा या तो छोटा पॉट लेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली लोग 14-15 इंच के गमले में ग्रो कर देते हैं प्लांट, तो प्लांट की ग्रोथ अपने रूट्स लगाने में लग जाती है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मेरा प्लांट की हाइट नहीं बढ़ रही है, लेकिन तब प्लांट अपने रूट्स डेवलप कर रहा होता है। तो अगर आप छोटा पॉट लेंगे तो बाद में प्लांट अपना रूट्स डेवलपमेंट थोड़ा लिमिटेड करेगा, बाद में अपनी ग्रोथ पे थोड़ा ध्यान देगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, जब प्लांट अपनी हाइट जल्दी नहीं बढ़ाता तब आप उसका टेंशन ना रखें, वो बढ़ाएगा जब इसकी रूट्स कम्प्लीटली अंदर फैल जाएगी। लेकिन उसमें एक फ़ायदा और भी है फ्रेंड्स, जैसे कि जब प्लांट्स के रूट्स जितने ज़्यादा डेवलप होंगे तो प्लांट की ग्रोथ बाद में उतनी फास्ट होगी। एक बार प्लांट्स के रूट्स अच्छी तरह सॉइल के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो बाद में प्लांट पूरा ध्यान अपना ग्रोथ पे देगा, और जितने ज़्यादा रूट होंगे उतना प्लांट की हाइट आपकी बड़ी भी होगी, प्लांट आपका बड़ा होगा, फ्लावर्स ज़्यादा निकलेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो अभी वो तो आपकी चॉइस है कि आप कौन से गमले में उसको डालते हैं, लेकिन मैं सारे छोटे छोटे गमले में ही इसको डालता हूँ। अबाउट 10-12 इंच के गमले में मैं अपने प्लांट्स को डालता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े गमले बहुत महंगे आते हैं जो मेरे बजट में फ़िट नहीं हो पाते, और ग्रो बैग्स मुझे चीप पड़ते हैं, इसलिए मैं ग्रो बैग्स यूज़ करता हूँ और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। मैं क्वांटिटी में परचेस कर देता हूँ, 600 रुपये में 20 बैग मुझे मिल जाती है, 600-650 रुपये में अमेज़ॉन से। अगर मैं इतने इंच का गमला लेने जाऊँगा मिट्टी का तो मुझे 50 रुपीज़ या तो 60 रुपीज़ के आसपास का एक गमला पड़ेगा, तो मेरे पास 30 रुपीज़ की सेविंग्स हो जाती है अगर मैं ग्रो बैग यूज़ करता हूँ। तो इसीलिए मैं ग्रो बैग ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाकी मिट्टी का गमला प्लांट्स ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, लेकिन हमें अपने बजट पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें करनी होगी। तो सबसे पहले जितने भी ये फ्लावर्स है वो मैं कट कर लूँगा, मैं यहाँ से उसको कट कर लूँगा, ये फ्लावर्स को मैं यहाँ से कट कर लूँगा। सिंपल प्रूनिंग हमें करते रहना है ये प्लांट के ऊपर। मैंने यहाँ से कट कर लिया। अब जितने भी फ्लावर्स बर्ड्स खिल के कम्प्लीट हो गए वो हमें कम्प्लीट करना है। देखिए मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया। तो प्रूनिंग ये प्लांट पे बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी डेड लीव्स है वो हमने निकाल देने हैं। डेड लीव निकालने से पेस्ट नहीं आते, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ फ्रेंड्स, तो आप भी ध्यान रखिए ये सारी चीज़ों का। ये छोटी छोटी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछते हैं, लेकिन मैं हर चीज़ आपको नहीं बता सकता टाइप करके। जनरली मैं बता भी देता हूँ बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स को, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है बताने में, क्योंकि बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें होती है जो प्लांट के लिए अच्छी होती है। ये देखिए सारे जितने भी डैमेज लीव्स है वो मैं निकाल देता हूँ। उसमें टेंशन बिल्कुल भी ना रखे, प्लांट्स फिर से नए लीव्स निकाल देगा। जो फ्लावर्स खिल के कम्प्लीट हो गए हमें उसको भी निकाल देना है। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये फ्लावर बग खिल के कम्प्लीट हो गया, तो हमें इसको निकाल देना है, हमें इसको रहने नहीं देना है। ये लैंटेना मेरा वन ऑफ़ द फेवरेट प्लांट में से एक है, इसलिए मैं लाता हूँ और मैं धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी अपने गार्डन में बढ़ाता हूँ। जनरली ये नर्सरी में मिलते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन नर्सरी में अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं वो प्लांट्स लाता नहीं हूँ, और ये प्लांट की कंडीशन थोड़ी अच्छी थी तो मैं लेके आ गया। और जैसे कि अभी सर्दी ये मानसून स्टार्ट होगी, तो मानसून में भी इसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगी। मानसून में सभी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने ये प्लांट को अच्छी तरह प्रून कर दिया है। अब हम इसके अंदर वाटरिंग करेंगे, तो मैं इसके अंदर सीवीड फर्टिलाइज़र वाला पानी यूज़ करूँगा। इसकी मिट्टी के अंदर सीवीड फर्टिलाइज़र मैं
500 ml पानी लिया है, 500 ml में मैं एक ढक्कन जितना सीवीड फर्टिलाइज़र डाल दूंगा। 500 ml पानी में इतना सीवीड फर्टिलाइज़र डाल दूंगा। सीवीड फर्टिलाइज़र मेरा वन ऑफ द फेवरेट फर्टिलाइज़र है, मैंने आपके सभी के साथ ये चीज़ शेयर की है। तो इस तरह से हमने ये प्लांट को अब ग्रो कर दिया है। अब हमें थोड़ा नॉर्मल पानी डाल देना है। जब भी आप प्लांट ग्रो करते हो फ्रेंड्स, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितना भी ये जो एरिया है रूट बाउल का, उससे ऊपर आप मिट्टी ना डालें, उससे नीचे ही रखें, क्योंकि इससे प्लांट का जो ये जो ब्रांच होता है वो शायद गल सकता है। इसीलिए हमें ऐसी गलती भी नहीं करनी है जब हम प्लांट को डालते हैं ये पॉट के अंदर। तो हमें कभी भी प्लांट की जो रूट बाउल है, रूट बाउल के ऊपर के एरिया पे मिट्टी नहीं डालनी है, रूट बाउल से थोड़ा नीचे रखिए, ताकि ये जो एरिया है वो थोड़ा ड्राई रह सके और प्लांट हेल्दी रह सके। तो फ्रेंड्स, ये है अपना लेंटेना का प्लांट। अगर आपको ये प्लांट से रिलेटेड किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।